थे पूरे हम लोग। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। स्कूल जा रहे हैं हम, तो चलिए मेरे साथ चलिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं और आपको एक अनोखी चीज़ दिखाते हैं। मैंने आपको जैसे कि बताया था, ये मॉल बन रहा है मल्टीप्लेक्स, तो ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया एंड इसका नाम है गेटवे, शालीमार गेटवे, जिस ये लिखा हुआ है, आई होप आपको दिख रहा हो। और इसका लोगो कुछ ऐसा है, कलरफुल सा एकदम रिंग टाइप में, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ा बहुत फिनिशिंग का वर्क लग रहा है, बाकी है तो वो पूरा हो जाए एंड जब ओपन हो जाएगा तब मैं भी जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। 3 hours later। तो फ्रेंड्स, स्कूल की छुट्टी हो गई है एंड अभी काफी जल्दी आज छुट्टी हो गई, तो चलते हैं आपको दिखाते हैं अंदर जनपद मार्केट और आपको भी थोड़ा घुमाते हैं, हम भी थोड़ा घूम लेते हैं। तो अभी हम लोग ने एंटर कर लिया जनपद मार्केट और ये है पूरी मार्केट है। फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं और आपको दिखाते हैं ये पूरी सीट का डिजाइन कैसा बना हुआ है। राउंड शेप में पूरी सीट है एंड यहाँ पे झूला है और यहाँ पे पूरी मार्केट है जो अभी खुली, ज्यादातर दुकानें नहीं है यहाँ पे। हम थोड़ी देर झूलेंगे झूला। अबे यार लेट गए थे पूरे हम। और वो विधानसभा है, यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स अभी भी बंद पड़ी हैं, बहुत सारी खुल चुकी हैं। बहुत मार्केट ओपन हो गई, जैसे आप देख सकते हैं सामने मोबाइल की बहुत सारी शॉप्स हैं, साहू जी और वो है साहू सिनेमा, और वहाँ भी आपको ले चलेंगे। यहाँ पे भी बहुत सारे झूले हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो ये पीछे बहुत अच्छा सा फाउंटेन है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये है साहू सिनेमा, जो कि कितना दिखने में खूबसूरत सा है बिल्डिंग इसकी। मेरे बाल बहुत ज्यादा बुरे लग रहे होंगे बट आप जज ना करिएगा, टोपी लगा देना रेडो। तो प्लान अभी हम लोग का बन रहा था सारागंज मॉल जाने का, बट हम लोग अभी स्कूल की ड्रेस में तो मना करेंगे शायद, तो कल चलेंगे और आपको कल उसका व्लॉग मिलेगा देखने। और ये है बर्मा बेकरी जो कि आप देख सकते हैं। तो गाइज, ये नई बेकरी खुली है द हेजलनट फैक्ट्री, जिसका लुक आप बाहर से देख सकते हैं कितना औसम सा है, मस्त एकदम बनी हुई है, अभी नई बनी है। फिलहाल अब हम लोग चल रहे हैं घर। अभी हम लोग आ चुके हैं लाल नोवेल्टी चौराहा, जो कि ये नोवेल्टी सिनेमा आप देख सकते हैं। कैसी है बिलाल, तुमने खाई? मजा आ गया भाई। फिलहाल अब डायरेक्ट चलते हैं घर पे, घर पे आपको नूर से मिलाएंगे, तो चलिए चलते हैं। A few moments later। और अभी हम लोग कर रहे हैं अपना लंच और आपको दिखाते हैं लंच में क्या बना है। सो लंच में है आज पास्ता, जो कि पास से देख लीजिए कितना खूबसूरत सा बनना है। और सो फिलहाल अभी अपना लंच हो चुका है और पास्ता काफी ज्यादा टेस्टी बना था, तो मजा आ गया खा के। थैंक यू मम्मी इतना अच्छा पास्ता बनाने के लिए। मैं आपको फ्री में एक एडवाइस देना चाहूंगा, जब भी आपकी मम्मी खाना बनाए ना तो आप उनकी तारीफ कर दिया तो उनकी तारीफ कर दिया करिए, उससे खुश हो जाती हैं, तो उनको काफी अच्छा लगता है, वो मेहनत करती मोटिवेट होती हैं खाना बनाने से।
अब फन निकल रहा है। नूर, हम लोग के पूरे फैमिली में नूर सबसे पहले मम्मी की तारीफ करता है। The next day. So hello guys, this is the next day. So कल व्लॉग ज्यादा नहीं बन पाया था क्योंकि मैं एक दूसरा व्लॉग शूट करने लगा था, तो इसलिए तो मौसम आप देख सकते हैं काफी ज्यादा प्यारा हो रहा है। ठीक है, तो अभी ये सारे कपड़े फैले हुए, तो इन सारे कपड़े को उठाने के लिए मैं छत पे आया था, तो सोचा आप लोग को भी लेता हूँ। तो चलो कपड़े उठाते हैं। तो भाई इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और कल आपने देखा कि मैं झूले पे बैठा था, गिर गया था और थोड़ा बहुत हजरतगंज भी घूमा था। और आज व्लॉग कंटिन्यू किया, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही व्लॉग्स मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ, एंटरटेन करता रहता हूँ। और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। कमेंट करके बताएगा अपना बेस्ट पार्ट, आपको क्या लगा अच्छा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।